हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिकल ब्रोस डॉट। आज इस वीडियो में हम बताएंगे अनबॉक्सिंग सिंपेक्स 2400 का, जो एक बजट ट्राइपॉड है। आपको ये अमेजोन में इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपेक्स का ब्रांडिंग और ये फोटोज, वीडियोस और डिजिटल कैमरा के लिए यूज होता है। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं साइड पर और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन आप पॉज करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मैं कट करूंगा इसका सील, इससे जो कि आप देख रहे हो। तो ये किया कट और यहां से ये किया कट। अब मैं इसे ओपन करता हूं। ये इसका बैग है, ट्राइपॉड बैग। अरे, बैग की क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से खर्चा किया इन लोग ने इस पर। तब आते हैं हम ट्राईपॉड पे। इसकी प्राइस है 1500, वो भी अमेजोन से। इस स्टैंड के नीचे का जो ये रबर का जो ये मटेरियल है, ये एकदम राउंड हो रहा है। यानी ये कोई भी सरफेस पे, यानी कोई भी जगह पर आराम से खड़ा हो सकता है ये। तो आप यहाँ पे एक बबल लेवल देख सकते हो, जिससे पता चले कि इसका एंगल किस तरह है, किस तरह एंगल का आपका ये जो ट्राइपॉड जो खड़ा है आपका। तो यहाँ पे ये बबल लेवल है और वैसा ही बबल लेवल सेम यहाँ पर है। ये पैनिंग और जूमिंग के काम में आता है, दिखाता हूँ वो भी आपको। देख सकते हो यहाँ पर भी है, आप देख सकोगे ये बबल। ये जो हैंडल, आप इसे जितना ओपन करोगे, मतलब जितना ढीला करोगे, उतना ये पैनिंग होगा अप एंड डाउन में, एकदम स्मूथ होगा ये। और आप टाइट रखोगे तो ये हार्ड होगा। अब ये है, ये राइट लेफ्ट के लिए है, राइट लेफ्ट पैनिंग करने के लिए है ये, ताकि आप स्मूथली इसे पैनिंग कर सको। ये थोड़ा स्मूथनेस नहीं आ रहा है, ये अप एंड डाउन में स्मूथ एकदम। ये राइट लेफ्ट जो कर रहे हैं हम, इसमें स्मूथनेस नहीं मिल रहा हमें। हम आगे बढ़ते हैं अपर पार्ट में। ये है क्विक रिलीज हेड, ताकि आप आसानी से मोबाइल या कैमरा लगा सको। तो दोस्तों, वो जो ट्राइपॉड था उस पर DSLR कैमरा लग सकता है। अगर आप उस पर स्मार्टफोन लगाना चाहते हो तो आपको ये परचेस करना होगा। ये भी मैंने परचेस किया है, पर ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, क्योंकि अमेजोन पर 250 का वन था और ये मैंने 250 के टू परचेस किए ऐसे। तो दोस्तों, ये बॉक्स में ऐसा आया होगा, आपको इसे पहले अटैच करना होगा। देखो, आप ट्राइपॉड पे लगा सकते हो इसे सिंपली प्रेस करने पे ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, और आप यहाँ से फोन भी लगा सकते हो। तो हम इसे फोन लगाएंगे अब। ये भी नया, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर जैसे आप इसको यूज करते रहोगे वैसे वैसे मे बी ढीला हो जाए। और एक और है टिल्टिंग के लिए, ताकि आप इसे कोई और एक एंगल में मोड़ सको, ऐसे मोड़ सको। आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ अभी। आप इस तरह इसे मोड़ सकते हो, जो भी एंगल में चाहिए उस एंगल में इस तरह टिल्ट कर सकते हो आप। तो हम देखते हैं अब इसकी हाइट कितनी है। तो इसके लिए पहले हम इसे ओपन करेंगे, आप देख सकते हो। अब हम और ओपन करना है, तो ये जो लॉक है इसे अनलॉक करना है, ताकि आप इसे इतना और ओपन और कर सको। और अगर आपको और हाइट चाहिए तो आप इस दूसरे को भी अनलॉक कर दीजिए, ताकि आपको इतनी हाइट मिल सके, और इसे लॉक कर दीजिए। तो जैसे कि आपने देखा इसकी हाइट, अभी हमें और भी हाइट चाहिए तो आप यहाँ से इसकी और हाइट बढ़ा सकते हो। तो पहले इसे लूज करना होगा, उसके बाद आप इसे ओपन कीजिए। देख रहे हो आपकी कैसे ये ऊपर जा रहा है, ये मैक्सिमम हाइट है अब इसकी, आप यह लॉक कर दीजिए। तो जैसे कि आपने अभी हाइट देख ली, तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये हैंडल है, ताकि आप इसे मूवमेंट कर सको, यानी आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो आप फास्टली मूवमेंट कर सको। तो ऐसे ही बंद करने के बाद आप ऐसा पकड़ के तुरंत मूव कर सकते हो। और ये डेलिकेट नहीं कि टूट जाए, आपको उसका डर लगे, ये अच्छी क्वालिटी का है। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो ये जो कि हुक जैसा है, अगर आप कोई DSLR लगाते हो, भारी वाला कोई DSLR, तो आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप कोई भारी सी चीज़ लटका दो यहाँ पे इस हुक पे, ज़्यादा मोर स्टेबल अचीव कर सकते हो, आपको ज़्यादा स्टेबल मिलेगा।
सबसे मेन चीज़ है इसका वेट, जितना वेट ज़्यादा होगा उतना आपको भारी लगेगा। तो इसका नेट वेट है 1.31 kg, यानी 1 kg और ऊपर 300 ग्राम जैसा कुछ है। तो इसका वजन कुछ ज़्यादा नहीं, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, और ये 1500 में बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे बाय कर सकते हो। हमने इसे ऑनलाइन अमेजोन से बाय किया है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ताकि आप वहाँ से बाय कर सको या उसे देख सको इसकी डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, हम आगे ऐसे और नई अनबॉक्सिंग लेके आएंगे कि आपको पसंद आए। तो दोस्तों आपको ये पसंद आया हो ये ट्राइपॉड तो इसे कमेंट कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले कि हम ऐसे और नए नए वीडियोस बनाते रहे और आपको पसंद आते रहे। And now I know my heart is a gold.